सो गाइस ईद मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से। यहाँ पे बिरयानी बन रही है। सो गाइस दावत शुरू हो चुकी है। और वो जो छुप रहे हैं वहाँ पे भाई इधर आ जाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो यार? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार भाई, गरीब हो आप क्या? नहीं भाई गरीब तो नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ नाविद और आप देख रहे हैं नाविद व्लॉग्स। गाइज आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज है ईद। सो गाइज ईद मुबारक आप सभी को मेरी तरफ से आज। और हम जाएंगे रानी कोट। पिछली बार हम रानी कोट गए थे, पिछली वीडियो में हम रानी कोट गए थे लेकिन कंप्लीट पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि बर्फ़ की वजह से रास्ता ख़राब था। सो गाइज आज का प्लान हमारा यही है कि आज हम रानी कोट तक जाएं और वहां पे आपको दिखाएं वहां की ब्यूटी। अब तो रास्ता गाइज साच पास तक खुल चुका है, साच पास भी जाएंगे लेकिन अभी थोड़ा टाइम के बाद जाएंगे, जब ठीक ठाक रश शुरू हो जाएगा उस टाइम जाने का मज़ा है, तो उस टाइम हम साच पास भी जाएंगे। लेकिन आज हम आपको लेके जाएंगे रानी कोट और आज ईद भी है तो ईद की नमाज़ भी अदा करनी है। अभी मैं नहाऊँगा, नए कपड़े पहनूँगा, उसके बाद ईद नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा मस्जिद और उसके बाद अपने यहाँ पे नेबर्स के यहाँ पे जाके खाना खाएंगे क्योंकि आज ईद की दावत होती है। हर घर से ईद की दावत आई होती है इसीलिए हमें हर घर में जाके दावत खानी पड़ेगी। तो गाइज़ मैं आपको पूरा आज का दिन दिखाऊंगा कि ईद के दिन हम क्या क्या करते हैं, हर एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, मिलता हूँ आपके साथ दोबारा नहाने के बाद। सो गाइज़ नहा के मैं हो चुका हूँ रेडी, अब नमाज़ का टाइम भी हो रहा है तो मैं अब सीधा नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की ओर और ये है मेरा छोटा भाई दानिश। हाय गाइज, देखिए ये भी रेडी हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं मस्जिद की ओर। अभी लेट हो चुके हैं, नमाज का टाइम काफ़ी नज़दीक है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। मस्जिद के अंदर तो नहीं बना सकता वीडियो पर, बाहर तक मैं आपको पूरा अपडेट देता रहूँगा। हाँ सो गाइस दादू भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, ये देखिए दादू भी रेडी है, ये मेरा छोटा भाई ये दादू चले हुए हैं और भी लोग आ चुके हैं। सो गाइस सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे बिरयानी बन रही है। ये हमारी मस्जिद है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ पे बिरयानी बनाई जा रही है, मस्जिद में दावत है उसके लिए बिरयानी बना रहे हैं, हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी बन रही है यहाँ पे।
मैं अभी व्लॉग शूट करने के लिए थोड़ा साइड में आया हूँ। नीचे अभी शोर बहुत है और लोग भी बहुत हैं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे ही बोलना। मस्जिद में कैमरा लेके आ गया है, इसलिए मैं साइड में आके व्लॉग बना रहा हूँ। अब आपको सीधे नमाज़ के बाद ही मिलता हूँ, क्योंकि ये नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो नमाज़ के बाद मिलता हूँ आपसे। तो गाइस ईद की नमाज़ हमने अदा कर ली है, अब घर जा रहे हैं हम, और मौसम ने लगता है साथ नहीं देगा। घूमने जो जा रहे थे हम रानीकोट, लगता है कैंसिल ही हो जाएगा आज। तो गाइस दावत शुरू हो चुकी है, तो गाइस दावत ख़त्म हो चुकी है, सभी ने खाना खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया। अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ, ये है ऊपर हमारा गांव। अब जाएंगे हर घर में, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा, ये ईद का रूल है, खाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मुझे लगता है रानीकोट का आज शायद मिस हो सकता है प्रोग्राम, क्योंकि बारिश साथ नहीं दे रही है। देखो बहुत ख़तरनाक बारिश है भाई आज, एकदम अंधेरा ही हो गया था थोड़ी देर पहले। तो चलो जाते हैं वे ऊपर, खाते हैं कुछ। सो गाइस दो घर तो हमने निपटा लिए खाना खा के, अभी दो तीन घर और हैं, पर अब थोड़ी देर बाद खाएंगे, पेट एकदम फुल हो चुका है। देखते हैं, अभी फ़ोन भी मेरा घर में जाके देखते हैं, फ़ोन आया होगा दोस्तों का, अगर कहीं का प्लान बनता है तो आपको बताते हैं और लेके चलते हैं। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे मार्केट में, प्लान बना रहे हैं क्या करें क्या करें, बारिश भी नहीं रुक रही है, ये देखो। सो गाइस बारिश की वजह से प्लान हमारा कैंसिल हो चुका है और रानीकोट नहीं जा रहे हैं हम, सो सैड। लेकिन एक नया प्लान बन चुका है, अभी हम जा रहे हैं आफ्ताब के घर, उसके घर में दावत है, ईद की दावत दी है उसने, और अभी हम जा रहे हैं सीधे आफ्ताब के घर, आपको लेके चलते हैं। अब आफ्ताब के घर स्कॉर्पियो लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी गाड़ी की हाइट ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है, ऊपर रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए स्कॉर्पियो लेके जाते हैं। चलो लेके चलते हैं आपको। आज बहुत तेज बारिश हुई है, और बारिश की वजह से ये देखिए कुदरत का कहर, पेड़ टूट के गिर गया हुआ है। यहाँ पे यही होता है गाइस, बारिश की वजह से या तो लैंडस्लाइड हो जाएगा या तो पेड़ बोर्ड कोई रास्ते में गिर जाएगा, बहुत रिस्क होता है इस मौसम में बाहर गाड़ी निकालना। और ये आ चुके हैं हम 0 पॉइंट पे, थल्ली तिस्सा, ये आगे रोड तिस्सा के लिए गया, और ये ऊपर थल्ली के लिए हमने जाना है, थल्ली नहीं सॉरी बंजवाड़, आफ्ताब का गांव का नाम है बंजवाड़। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं आफ्ताब के घर, मैं आपको दिखाता हूं एक बार उतर के।
और ये देखिए गाइस, ये है आफ्ताब का घर यहाँ पे, और ये हमारे साथ यूनिस, हेलो गाइस, और वो जो छुप रहे हैं वहाँ पे। भाई इधर आ जाओ यार, शर्मा क्यों रहे हो यार, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये हमारे सन्नी भाई, चलो आपको लेके चलते हैं अब सीधे आफ्ताब के घर। और वहाँ से हमारे आफ्ताब जी भी आ रहे हैं, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, आ जाओ आ जाओ। ईद मुबारक भाई, भाई ईद मुबारक है आपको। मेरे उस बार में खेलने और तो गाइज ये है आफ्ताब के घर को रास्ता, अभी जा रहे हैं मंदिर, देखते हैं आफ्ताब भाई क्या खिलाते हैं हमें। भाई सन्नी का सूट कितना सेक्सी लग रहा है, देख लो यार, लड़का ही सेक्सी है हमारा। सो गाइज ये है आफ्ताब का रूम, और यहाँ पे मुझे लगता है लाइट नहीं, अभी लाइट आएगी, आएगी लाइट इंशाल्लाह। यार भाई गरीब हो आप क्या? नहीं भाई गरीब तो नहीं हो। सो गाइस खाना आ चुका है, आफ्ताब भाई ने बहुत खिदमत करने लगाई है, तो अब गाइस खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। अंदर लाइट भी नहीं है यहाँ पे, तो वीडियो अच्छे से शूट होगी नहीं, तो खाना खा के मिलते हैं आपसे। सो गाइस खाना खा के हम हो चुके हैं फ्री, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, एक ग्राउंड है वहाँ पर फ़ोटो फोटो निकालेंगे, लेके चलते हैं आपको सीधे ग्राउंड में। अभी आफ्ताब गया है अपनी बाइक लाने वहाँ पे, वो बाइक लेके नकरोड चलेगा हमारे साथ, और उसके बाद शाम को वापस आ जाएगा। अभी हम चलते हैं ग्राउंड, मिलते हैं आपको सीधे ग्राउंड में। अब तो गाइस ग्राउंड में हम पहुंच चुके हैं, ये है यहाँ का ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पे। यहाँ पे हम इसलिए आए थे, फ़ोटोज़ वगैरह निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, और शाम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अब घर की तैयारी है, अब घर भी निकल जाएंगे हम, और इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, पीस आउट।